सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। आज इब्तदाइया में मेरे इंट्रो में मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है। कुछ अल्फाज इसलिए नहीं है कि जो इस जुल्म के शायान शान हो, जो इस जुल्म को बता सकें। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को झंझोड़ सकें, उनके ज़मीरों को झंझोड़ सकें। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो हर जुमे के दिन आधे आधे घंटे खड़े होने की बातें करने वालों को झंझोड़ सके, जो अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ जाकर तकरीरें करने वालों को झंझोड़ सके। दिखाइए, फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ गुंचे चटक भी जाएं तो कलियाँ नहीं खिलती, वहाँ खुशबू नहीं आती, कोई तितली नहीं आती, कोई जुगनू नहीं होता। वहाँ जब प्यास लगती है तो बस आंसू बहाते हैं या आंसू गैस पीते हैं। वहाँ बादल नहीं, चारों तरफ पत्थर बरसते हैं और इस बारिश में सब मासूम कश्मीरी नहाते हैं। जहन्नुम जहन्नुम से भी बदतर है मगर फिर भी ये जन्नत है। मगर हौसला हारना शेवा नहीं है मुसलमान का, इसलिए मैं कहती हूँ लहू रंग लाएगा तेरा ऐ मेरे कश्मीर। तो जन्नत है तेरी, जहन्नुम की रातें गुजर जाएंगी, हौसला रखना। वो वक्त करीब है कि जब मेरे कश्मीर में लहराएगा सब्ज हिलाली परचम, नारा तकबीर बुलंद होगा, सारा कश्मीर सजदे में होगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज कश्मीर में दरिंदगी, वहशियत, जुर्म, बर्बरियत की इंतहा हो गई। 3 साल मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को गाड़ी से उतार कर गोलियों से भून डाला। मासूम बच्चा नाना के लाशे पर बैठा आंसू बहाता रहा। जालिम, जाबिर, बेहिस भारतीय कातिल फौज उसके नाना के जज्बे खाकी पर जूते रख कर चलते रहे और वो बस नाना नाना पुकारता रहा। शैतान के चेलों ने 3 साल मासूम बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। वो रोता रहा, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे मम्मा के पास जाना है। मगर बेहिस बेजमीर लोग उस मासूम को बख्तर बंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। अल्लाह अल्लाह, ये आसमान फट क्यों नहीं जाता, कहरे खुदाबंदी टूट क्यों नहीं जाता। कब तक सहमे कश्मीरी, कब तक कटेगा कश्मीरी, कब तक मरेगा कश्मीरी। इस बच्चे की आवाज है नाजरीन, ये किसी के लिए भी बर्दाश्त करने वाली आवाज है नहीं है। कहाँ है सारा आलम, क्या हमें आज भी किसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, किसी सुल्तान मोहम्मद फातेह की तलाश है। काफिर तो काफिर, नाम निहाद मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं। और ओआईसी, इसको तो बस मैं कुछ कह नहीं सकती। कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन, क्यों कोई आवाज नहीं है, कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, कोई मदद को क्यों नहीं आता। आज से कुछ दिन पहले एक और वीडियो, वो भी तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें 2 नौजवानों को शहीद करके भारतीय दरिंदे लाशों को गली में रखकर उसकी बेहुर्मती करते रहे और एक घर से मासूमों से देखकर बाहर रह रहे थे और बेचारे करते भी क्या, अपनी बेबसी पर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे। दिखाइए, इसी पर बात करूंगी। साथ ही आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी करके एक और पाकिस्तानी को शहीद कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह में 14 नौजवान शहीद हो चुके हैं। आज मैं कुछ नहीं कहना चाहती उन दरिंदों को, आज मैं कोई बात नहीं करना चाहती उस दरिंदा मोदी के लिए, लेकिन हम तमाम लोग, हमारे पास तो शर्मिंदगी के अलावा भी नहीं, क्या कहें अपने कश्मीरी भाइयों से कि आप जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर कोई नया सानहा हो जाता है और फिर हम उस पर बात का आगाज़ कर देते हैं। मिशाल मलिक साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया मिशाल साहब आपके कीमती वक्त का। आज सारी दुनिया ने कश्मीर में भारतीय दरिंदों की बेहिसी, बर्बरियत देखी, लेकिन इसके बावजूद किसी मुल्क की तरफ से भारत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं। क्या कहेंगी, कुछ है आपके पास कहने के लिए इस पर?
देखिए ये कंडेमनेशंस आती रहती हैं ऑन एंड ऑफ जब भी कोई ज़्यादा हाई स्केल की कोई मैसेकर होता है, मगर दिस फोटोग्राफ्स जो आई हैं, जो विजुअल्स हैं, दे डोंट नीड एनी रिकॉल एनीबडी टू स्पीक अप. वो खुद ही सब कुछ बता रही हैं कि आज के दौर में इस तरह एक नन्ना सा बच्चा अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर, मैं मुझे कहते हुए भी मैं कांप रही हूँ अंदर से कि ये मुझे कहना पड़ रहा है और ये मुझे देखना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में. इतना जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और जुल्म की दास्तानें पता नहीं कब ख़त्म होंगी. और वहाँ पे वो उठाने की कोशिश कर रहा है अपने नाना को इन द मिडल ऑफ देयर इंकाउंटर्स जो इंडियन आर्मी के चलते हैं, जो मोस्टली फेक इंकाउंटर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को तो दिखाना होता है ना कि हमने कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्दों को पकड़ा है, हम पकड़ते हैं, हम इसलिए हम लोग यहाँ 8 लाख से ज़ायद फ़ौज है हमारी. तो उन्होंने ऑन एंड ऑफ ये एक्सरसाइज इनके लिए करनी होती है, इन्होंने डेड बॉडीज़ गिरानी होती हैं, दिखाना होता है. तो इतलात यही है कि कोई इनको मिली नहीं वहाँ पर कोई ख़ास, तो इनको ये मासूम सी फैमिली जा रही थी, नाना और उसका ग्रैंड सन, तो इनका इंकाउंटर से डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पर मार दें. तो दुनिया कंडेम करती है, आइंदा भी करेगी, मगर मेरा सवाल दुनिया से ये है कि कंडेमनेशन के बाद अगला स्टेप क्या है. अगला स्टेप आपका हमेशा यही होता है कि ऑब्जर्वर्स को भेजा जाए या फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को. अगर वो नहीं इजाज़त देता तो देन व्हाट, दैट इज़ द क्वेश्चन. मिशाल, पाकिस्तान की अब तक क्या काबिल इत्मीनान है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के सफ़ीर, उन्होंने दावा किया था, उसे दुरुस्त साबित किया है खान साहब ने? लेकिन पाकिस्तान एज ए स्टेट की नेशनल पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है कि उन्होंने कश्मीर इशू के अंदर, वो वन ऑफ द मेन पार्टीज़ हैं यूएन की करारदादों में, और एक बहुत ही आपस में लोगों का पीपल टू पीपल भी, पाकिस्तान और कश्मीरियों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इत्तेफाक है, बहुत दुआएं होती हैं, बहुत ख्याल रख. मगर स्टेट पॉलिसी की जहाँ तक बात है, डिफरेंट रिजीम्स जो यहाँ आती हैं कभी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं, माहौल को क्लाइमेट को स्टडी करती हैं. मगर मैंने हमेशा से एक ही बात की है कि आपने जितने भी मज़ाकरात हिंदुस्तान के साथ किए हैं, मगर जहाँ तक कश्मीर का इशू है उसमें ये फेलियर्स ज़रूर रहे हैं कि जब मुज़ाकरात होने लग जाते हैं पास्ट के अंदर भी, तो तब इंटरनेशनलाइज करना कश्मीर इशू को हम लोग पाकिस्तान की तरफ से कम कर देते हैं, और फोकस ज़्यादा ये होता है कि बायलैटरल इंडो पाक डायलॉग के थ्रू ही कुछ निकले. मगर इनको हिंदुस्तान की जो पर्सनैलिटी है या जो इनका नेचर है वो यही है कि इनको अंडर प्रेशर ही रखना है हर दम, क्योंकि ये एग्रेसर्स हैं. एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, एक किलर सोच लें आप, तो आपने उसको निगोसिएशन टेबल पे अगर रखा है तो उसको साइकोलॉजिकली अगर ये पता है कि जो दूसरी पार्टी जो निगोसिएट कर रही है या पीस टॉक्स कर रही है, तो वो अपने और एक्सटर्नल प्रेशर्स को नहीं यूज़ कर रही है, वो सिर्फ मेरे से आती बात करने में लगे हुए हैं, तो नेचुरली वो नखरे, क्योंकि उसकी नेचर ही कातिल वाली है, धोखेबाज की है. तो इसलिए अब हमारा सारा फोकस पाकिस्तान का, एम्बेसीज पाकिस्तान की काम अच्छा कर रही है, मगर मैं उनको यही कहूँगी पाकिस्तान की सरकार को, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि आप खुदाया आप कश्मीर एनवॉय को नॉमिनेट करें पाकिस्तान से, कश्मीर एनवॉयज यहाँ से हों, और आप यूएन में भी लॉबी करें कि वहाँ पे भी यूएन जो है कश्मीर एनवॉय यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एक बनाए, एक फैक्ट फाइंडिंग जो कमिटी या जो कमीशन्स होती हैं वहाँ पे, अगर वो उनको इजाज़त नहीं दी जाती है तो मैं यही तजवीज़ दूंगी पाकिस्तान की सारी एम्बेसीज़ को, ख़ासतौर पर उन ममालिक में जहाँ हिंदुस्तान ट्रेड करता है डिफेंस का, कि उनके अंदर वहाँ पे उन ममालिक में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं और कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो उनको इंगेज करें कि जितनी भी वेपनरी ली जाती है बेसिकली इंडिया की तरफ से, वो अनआर्म सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, इसलिए उनके ऊपर डिफेंस की सैंक्शंस लगाना बहुत बहुत लाजमी है. ये बहुत से वेरियस स्टेप्स हैं जो साइमल्टेनियसली जिनके ऊपर काम किया जा सकता है. सब OIC का किरदार साहिबा, उसे कैसा देखती हैं आप कि वो अपने होने का वजूद, उसका हक अदा कर पा रही है? ये तो तारीख ही बताएगी और इस वक्त प्रेजेंस भी, आप प्रेजेंट टाइम्स में भी आप देख लें कि जितने भी बड़े बड़े दुनिया के इदारे हैं जहाँ इन्हें सूट होता है तो ये कंडेमनेशन पर रहते हैं, जहाँ इनको सूट होता है तो उससे अगला स्टेप पे भी चले जाते हैं. तो बात यह है कि हमारी तो जो जद्दोजहद है ये एक मुसलसल जद्दोजहद है, 70 साल से चल रही है, एक निहत्ती कौम की जो एक जहाद चल रही है एक 8 लाख से ज़ायद फुली इक्विप्ड आर्मी के ख़िलाफ़. तो गिव अप नहीं किया, मगर इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना, दुनिया को आगाह करना कि ये कितना क्रूशल मैटर है,
ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और ये कोई मजाक बात नहीं है। ये इसके न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे लास्ट ईयर 27 फरवरी को। इस साल भी आप देख लें जो इंडिया ने पंगा उठा लिया है चाइना के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उनकी रिफ्ट्स चल रही हैं, इकोनॉमिक वॉर चल रही है, फिज़िकली भी जो सोल्जर्स की चल रही है, ये मामला एस्केलेट हो रहा है बेहद बहुत ही इसके खौफनाक किस्म के डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं, ना सिर्फ इंडो पाक और चाइना बल्कि पूरे रीजन एंड वर्ल्ड पावर्स के भी, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसलिए इसके ग्लोबल डायनामिक्स के पर भी दुनिया के अंदर अवेयरनेस पैदा करना और ये साथ साथ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर के अंदर एक यूनिफाइड मैनर में, ये बताइएगा मुझे ये जो यहाँ है, ये जो आज का वाक़ा है बड़ा तकलीफ दे है। कश्मीर के हालात, फलस्तीन, शाम, इराक, इससे कम नहीं है। वहाँ मोहतरमा सारी दुनिया कूद पड़ती है मगर कश्मीर पर भारत का अंदरूनी मसला हो जाता है। यही तो सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में कि हिंदुस्तान को एक बड़ी मार्केट, एक बड़ी मंडी समझ के दुनिया की कंसंट्रेशन और फोकस रही है उनके साथ ट्रेड करने की और पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हो सकी है उस तरह। मगर अब जो ग्लोबल डायनामिक्स दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, क्योंकि जो फैशिस्ट रिजीम्स होती हैं दुनिया भर में, अगर आप उनको देख लें, जो उनका इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में देख लें, चाहे आप ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर लें, जब आप एक्सट्रीमिज्म का बीज कहीं भी सोसाइटी में बोते हैं तो वो 2-4 सालों के बाद वो कैंसर की तरह इरप्ट होता है कि आप जिस तरह मार्जिनलाइज कर देते हैं। इसी दौरान मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सुल्तान अहमद अली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहूँगी। और लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी, मिशाल मुझे बता दीजिए यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है, उनके बारे में भी ज़रा बताइएगा, कोई रब्ता हुआ है आपका उनसे? उनको जिस हालात में रखा हुआ है, ये एक मौत के मुंह में रखा हुआ है उनको, काफ़ी एक कितना अरसा हो गया है, साल से ऊपर हो गया है तिहार के अंदर हैं, और जो उनके साथ मिस ट्रीटमेंट की गई है, जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, जो उनको एक पिंजरे में बंद रखा गया, जो उन पर टॉर्चर किया गया, और वो 1 अप्रैल को हंगर स्ट्राइक टू डेथ पे जा रहे थे, उससे पहले भी वो गए तो उस वक्त वो रुक गए क्योंकि कोरोना आ गया था, तो उनको यही एडवाइज़ किया गया उनके लॉयर के थ्रू कि भी आप मत जाएं, अभी फ़िलहाल टेम्परेली उन्हें रोका है, मगर उनसे कोई रबता नहीं है। और तिहार में बहुत से COVID-19 के पेशेंट्स भी हैं, इतना हेविली पॉपुलेटेड प्रिजन है, और फिर इनको जिस तरीके से रखा हुआ है, ना कोई एक्सेस है, ना कोई मिल सकता है इनसे, तो आई रियली डू नॉट नो व्हाट कंडीशन माय हस्बैंड इज इन, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हॉरिफाइंग। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनके लिए आसानी करे, तमाम कश्मीरियों के लिए, मिशाल साहिबा तमाम कश्मीरियों का आसानी करे। सुल्तान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सुल्तान साहब, हमारे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जब कश्मीर में, और ये तो रोज़ के वाकयात और सानहात में से है, कश्मीरी तो रोज़ इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम बहसियत पाकिस्तानी एक अहम फर्ड जिसको हम कहते हैं कि हमारी कश्मीर शहरग है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम सेमिनार्स कर लें, 5 फरवरी का दिन मना लें, कश्मीरियों का दिन मना लें, खड़े हो जाएं रोडों पर आधा आधा एक एक घंटा, और अक़वामे मुत्तहिदा में जाकर एक ज़बरदस्ती तकरीर कर लें। इसके अलावा कश्मीरियों के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? अगर हम बात करते हैं आलमी दुनिया की तो उनको तो चुप लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, उसके लिए आवाम की बड़ी सपोर्ट चाहिए। मैं एक इस पे अमूमन तजवीज़ देता हूँ, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी ये तजवीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार को भी और पाकिस्तान के अहल फ़िक्र व दानिश को भी, कि इंडिया की अगर आप कश्मीर पॉलिसी देखें तो इस इशू को ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि ये बायलैटरल इशू नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, बल्कि ये मल्टीलैटरल इशू है, इसलिए कि ये यूनाइटेड नेशंस में उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में है, इसके ऊपर करारदादें आईं और इसको खुद इंडियन लीडरशिप लेके यूनाइटेड नेशंस में गई। लेकिन जब 1954 में कश्मीर की उन्होंने स्पेशल स्टेटस की करारदाद अपनी पार्लियामेंट में मंजूर की, सिंस 1954 इंडिया ने कश्मीर के ऊपर ना किसी मल्टीलेटरल ऑप्शन को कबूल किया है, ना ही किसी बायलेटरल ऑप्शन को कबूल किया है। पाकिस्तान ने हमेशा दोनों ऑप्शंस की तायीद की और दोनों ऑप्शंस के लिए कोशिशें की, मल्टीलेटरल ऑप्शंस के लिए भी और बायलेटरल ऑप्शंस के लिए भी, लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा जो पॉलिसी रही वो यूनिलेटरल ऑप्शन की रही।
अब जो लास्ट ईयर इंडिया ने जो किया स्पेशल स्टेटस खत्म करके उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया, तो ये यूनिलैटरल एक्शन की इंतहा थी और इससे बड़ा कोई यूनिलैटरल ऑप्शन नहीं हो सकता। एक तो ये बात, दूसरी इसके साथ ये बात भी कि ये दुनिया का जो निज़ाम है जिसपे कहते हैं कि इस वक्त दुनिया चल रही है, ये उसके नाकाम होने की सबसे बड़ी दलील थी कि आपके पास करारदादें पड़ी हैं, आपके पास एक कौम की अमानत पड़ी है और दूसरा कोई आके उसका हिस्सा अपनी मर्जी से छीन के ले गया है, दुनिया उस पर खामोश है। पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह अपने यूनिलैटरल ऑप्शंस इस्तेमाल करे, लेकिन यूनिलैटरल ऑप्शंस इस तरीके से नहीं हो सकता कि एक स्प्लिट मैंडेट किसी गवर्नमेंट के पास हो और वो कर सके। उसके लिए लीडरशिप को एक पेज पे होना है और पूरी कौम को एक पेज पे होना है, और जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की लीडरशिप पे और पाकिस्तान की आवाम पे कश्मीरियों के खून का ये कर्ज है कि ये एक नेशनल कश्मीर पॉलिसी बनाएं जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हों, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे थी, और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे थे, और पूरी कौम अपनी रियासत के पीछे खड़ी हो, अपनी फौज के पीछे खड़ी हो, और रियासत अवाम की नुमाइंदा बने और कश्मीरियों की नुमाइंदा बने, और उसके बाद जो भी मिलके लीडरशिप तय करे। अहमद अली साहब, आपकी जानिब से तजवीज बड़ी बहुत बेहतरीन तजवीज दी गई है, लेकिन इस बच्चे की आवाज मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, प्लीज इसकी आवाज को, बच्चे की आवाज को बंद कीजिए। अहमद अली साहब, आपने तजवीज बहुत बेहतरीन दी है, लेकिन आपने देखा था इससे पहले जब ये 5 अगस्त का वाकया हुआ था और फिर असेंबली में तमाम मेंबरान मिले थे, तो कश्मीर कॉज पर हमारे दरमियान कितने डिफरेंसेस थे और हम किस तरह से लड़ झगड़ कर अलग हो गए थे। एक जानिब मैं इंडिया का माहौल देखती हूँ, वहाँ अजीत डोवल जैसा दहशतगर्द इसे कह लीजिए, वो मोदी को मशवरा देता है कि आप ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाइए, और उस वक्त से लेकर आज तक इंडिया सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव डिफेंस पर है। क्या कर रहा है वो, चाहे लद्दाख का मामला देखिए, चाहे हमारी सरहदों पर देखिए, चाहे आप कश्मीर में देखिए, और यहाँ से हम मुसलसल अमन का पैगाम देते रहते हैं, हम अपनी शहरक के लिए मुसलसल अमन का पैगाम दे रहे हैं, कब तक हम अमन का पैगाम देते रहेंगे, एक ये सवाल। फिर उसके साथ ये भी देख लीजिए कि अक़वामे मुत्तहिदा ने जो ये असेंबली में नशस्त दी है, जो ये गैर एक आलमी ताकतों के ऊपर बड़ा सवाल है सर, ये इनकी जो इंसानियत, इनकी गैर जानबदारी, इस पर बहुत बड़ा सवाल है सर। जी मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो उनका ऑफेंसिव डिफेंस आपने कहा है, ये सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं, इंडिया के जो मौजूदा फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसको बात को दोहरा चुके हैं, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो भी इस बात को कई मरतबा कह चुकी है, इंटरनेशनल फोरम्स पे वो कह चुके हैं कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को, जो उन्होंने उसको कहा हुआ था कि नो फर्स्ट यूज़, उसकी वो अब थोड़ी सी पंक्चुएशंस चेंज करके वो कहते हैं नो फर्स्ट यूज़। तो अब तो वो ये कहते हैं कि अगर उनको किसी जगह पे भी कोई थ्रेट हुआ तो वो न्यूक्लियर वेपन बगैर किसी उसके चला देंगे। तो जिस तरह मोदी साहब का एक तर्ज अमल है, एक तरीक़ाकार है, एक इनकी साइकोपैथ पर्सनैलिटी है, इनसे कोई बईद नहीं है कि ये किसी भी लम्हे न्यूक्लियर का बटन दबा दें, पूरी दुनिया को इससे शदीद थ्रेट है। जो दूसरी आपने सवाल किया कि सारी दुनिया इस पे खामोश है और हिंदुस्तान को उन्होंने एक गैर मुस्तकिल रुकनियत वहाँ पे दी है, तो देखिए दुनिया का निज़ाम जो है ये मुनाफिकत के ऊपर कायम है। ये कहते ये हैं बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स चार्टर इन्होंने कर लिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स बना दी, ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े फंड्स बना दिए, इदारे बना दिए, बड़ा वावेला दुनिया भर में होता है, लेकिन नतीजा आपको ये नज़र आता है कि ये हमेशा इंसान की बजाय इकॉनमी के साथ खड़े होते हैं। जो रियासतों का तरीकाकार है वो कभी भी इंसानों के साथ खड़ी नहीं होती, वो अपनी मईशत के साथ खड़ी होती हैं। जो अभी मिशाल साहब की बातें मैंने सुनी वो सारा यही मुकदमा पेश कर रही थी कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया की जो मार्केट है उसको वो अवेल करना चाहती हैं तमाम बड़ी ताकतें,
तो इससे तो साफ जाहिर है कि इससे बड़ी क्या मुनाफ़त हो सकती है कि वो इंसान की बजाय अपनी मईशत से मोहब्बत करती हैं। अगर उन्हें इंसान से मोहब्बत थी सुल्तान साहब, मैं आज ये भारत के लोगों की और इनकी दरिंदा सिफत की इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि आज मैं खुद शर्मिंदा हूँ बहसियत पाकिस्तानी। सर मुझे बड़ी शर्मिंदगी है आज का वाकया देखने के बाद। आप मुझे बताइए हमारा डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मिसाली कारनामे सामने है, भारत को कहां कहां कैसे कैसे तबक रोशन किए हैं उसके, लेकिन हम सिफारतकारी की पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, हमारी सिफारतकारी जबरदस्त है, हम कश्मीर का मसला हर जगह पर उठा रहे हैं, कोने कोने में कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन 184 ममालिक का वोट दे देना कश्मीर के हक, भारत के हक में, ये हमारी सिफारतकारी पर सवाल नहीं है सर, ये किया हमने जी? जी बिल्कुल, ये हमारी सफारतकारी पे आप कहें या आप इसको यूं रिफ्रेज में आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि हमारी जो पिछले 1.5 डेकेड की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी रही है वो बड़ी पैसिव फॉरेन पॉलिसी रही है और बीच में ऐसे भी स्पेल्स आए हैं कि हमारे पास कोई फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आलमी सतह पर मसाइल का सामना रहा है। हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत शदीद क्राइसिस से गुजरा है, मुझे मालूम नहीं इस बात को किस हद तक यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के बड़े मसाइल रहे हैं, फॉरेन ऑफिस बहुत सी चीज़ों को फेस करता रहा है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि फॉरेन ऑफिस के कुछ साबिक सफारतकारों ने बड़ी तशवीशनाक चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बयान की हैं। अगर जो उन्होंने बयान किया अगर वाकई ऐसा है तो मैं कहता हूँ कि आज तक भी अगर फॉरेन ऑफिस में कोई डेडिकेटेडली कश्मीर की बात करता है तो दैट इज एन अचीवमेंट। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कश्मीर के ऊपर उस वक्त भी किया, यानी जब पाकिस्तान 2 लख हो चुका था 71 के अंदर भी, लेकिन 2 लख होने के बावजूद हम अपनी डीमोरलाइजेशन की इंतहा पे थे। इतनी डीमोरलाइज्ड कौम कभी नहीं होगी जितनी 1971 में थी, उसके बावजूद भी हमने कश्मीर के ऊपर फ्रंट फुट पे रह के हमेशा लेकिन अब सुल्तान साहब इस वक्त कौम का मोराल कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर इस वक्त ये गर्म लोहा है इस वक्त कश्मीर किया जाता है तो मेरा ईमान है मेरा यकीन है कि यकीनन हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एक वो बच्चा था नाज़रीन इलान कुर्दी जो खुद तो चला गया था इस दुनिया से लेकिन उसने दुनिया की आंखें खोलने में कुछ ना कुछ काम जरूर किया था, किरदार अदा किया था, एक ये बच्चा है अयाद, सारी जिंदगी इसके जहन पर क्या रहेगा क्या असर रहेगा जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा। मैं चाह रही हूँ आखिरी में क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर जाते जाते सुल्तान साहब आपका बेहद शुक्रिया, इस बच्चे की एक बार फिर मैं ज़रा वो आवाज़ सुनवाऊँ, हो सकता है किसी का ज़मीर जागे और वो मोदी जैसे दरिंदे का गिरेबान तो पकड़ सके। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सियासत मईशत और कोरोना पर मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया है। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म खुद -1 की बातें कर रहे हैं, देखते हैं इमरान खान साहब कितनी देर वज़ीर आज़म रहते हैं। बिलावल मजीद कह रहे थे कि कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर बाहर निकालना होगा। ये ऐसी बातें जो शहबाज शरीफ जरदारी साहब के लिए करते रहे और आज सब देख रहे हैं वो कैसे बगल गिर हो गए माशाल्लाह। खैर बिलावल ने कहा कि शुगर कमीशन का ड्रामा NRO था, वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब असद उमर और जहांगीर तरीन को बचाया गया है, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इंदिया भी दे दिया है। बिलावल के बरसने का जवाब वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब ने दिया है, वो कह रहे हैं कि फर्जंदे जरदारी जितना मर्जी शोर मचा लें कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। सिंध की हालत जार से वालिद की सियाकारियों तक लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब हादसाती चेयरमैन को देना है, जिसका ओढ़ना बिछोना करप्शन, जिसकी सियासत कातिलों और भत्ताखोरों की सरपरस्ती हो उसका सियासत में क्या काम है। इस सारे बीच में नून लीग कहाँ पर खड़ी हुई है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हकीकी ऑपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी निभा रही है, नून लीग सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही है? क्या ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना या सिर्फ खान साहब को हटाना है? क्या वाकई बात वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से अब स्पीकर तक आ गई है? इस पर बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा अता तारर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, शामदीद कहूँगी। सर क्या वाकई ये अपोजिशन की जमातें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक कर रही हैं? हो गया इत्तेफाक इस बात पर अता तारर साहब? बहुत शुक्रिया किरण साहिबा इन्वाइट करने का। देखिए बात यह है कि जो हालात हैं इस मुल्क के मईशत कहाँ थी और कहाँ आ गई है,
एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, जो लोग 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा और नारा लेके आए थे, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया है। और वो जो हमें बताया करते थे कि जो एक शख्स 10,000 कमाता है वो 10,000 नहीं है, वो रुपए की कदर में जो कमी वाक़ हुई है, जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, उस वजह से उसमें वो अब 10,000 नहीं है, वो 8,000 रह गया है, उसमें बाकी टैक्सेस हैं, फलाना है। तो अगर उन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाया जाए तो हालात आपके सामने हैं। 5.3% की ग्रोथ से शुरू हुए थे और अब मनफी ग्रोथ हो गई है आफ्टर 68 ईयर्स। यानी इतने बुरे हालात मेरा नहीं ख्याल के कभी भी थे। और अफसोसनाक बात यह है, मैं ये बिल्डअप इसलिए है कि मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि देखिए हमारे पे इल्जामात हैं, असासों में इजाफे का इल्ज़ाम है, बाकी इल्जामात हैं, मगर अभी तक कोई करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी फंड्स की खुरबुर्द, कोई टेंडर इधर उधर करने का, इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने आटा गायब, चीनी गायब, पेट्रोल गायब, दवाइयाँ गायब, तो ये जो अवाम की जेबों पे डाका डाला है और बिजली के गैस के बिलों में जो इजाफा किया है, और पेट्रोल का आप देख लीजिए, बगैर ओगरा को समरी गए, बगैर काबीना में बहस हुए, बगैर काबीना के फैसले के, आधी रात को 5 मिनट के अंदर अंदर जो कीमतों में इजाफा था। वैसे आपका इब्तदाई काफी लंबा हो गया, आप मेरे सवाल के जवाब पर नहीं आए सर, स्पीकर के लिए सर आदम एतमाद की तहरीक पर इत्तेफाक हो गया है। देखिए इस पे अभी फॉर्मली कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, और एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का रब्ता जरूर हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया को एड्रेस किया था, तो उसमें इतफाक हुआ था कि एक APC बुलाई जाएगी। तो वो इंशाल्लाह जब APC बुलाई जाएगी तो तमाम फैसले जो हैं उसमें किए जाएंगे। और वो गालिबन APC शहबाज शरीफ साहब के कोरोना से सेहतियाबी के बाद तक के ऊपर मुलतवी हो गई है, सही है सर? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उस APC में देखिए तमाम फैसले इस हवाले से किए जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में वो रिलीज किए जाएंगे, और एक मुश्तरका लाही अमल जो है अपोजिशन की तरफ से वो अडॉप्ट किया जाएगा। मगर मैं जो ब्रॉडर एक बात किरण साहिबा कर रहा था कि ये जो मुल्क है मजीद अब वो मुतहमल नहीं हो सकता कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, और जिस तरीके से क्योंकि अब ये -1 की बातें होना शुरू हो गई है ना, तो क्या अपोजिशन तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी और को वजीर आजम के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो गई है? देखिए जो हमारा जहन है वो तो फ्रेश इलेक्शंस के बगैर मैं नहीं समझता, और एक ओवरऑल राय है ना जी, उसमें ऑब्वियसली राय ये जो प्रेवलेंट है इस वक्त वो ये है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते ऑब्वियसली तब तक कोई ना कोई सेटअप जो है वो विद इन हाउस चेंज या जो भी होगा वो आए, मगर अल्टीमेट तमाम मसाइल का हल जो है वो नए इलेक्शंस हैं, और दुनिया भर में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। और जिस तरीके से देखिए इकॉनमी जिस तरफ चली गई है, और ये मानने वाली बात है, ये कोई तोता मैना की कहानी तो है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। एक ईंट लगाए बगैर मैं, आप देखिए कि 12,000 अरब का कर्जा है, और लोग भूल जाते हैं, मैं बहुत याद दहानी कराता हूं कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी 10-10 घंटे लोड शेडिंग थी, आप हमें बाकी क्रेडिट दे ना दे, मगर इस बात का क्रेडिट जरूर दीजिए कि 72 साल के अंदर 16,000 मेगावाट और पिछले 5 साल में 12,000 मेगावाट लोड शेडिंग का इस मुल्क से खात्मा हुआ है। पिछली 2 गर्मियां जो कुछ आपके दौर में हुआ है उसका क्रेडिट भी गाये बगाये दिया जाता रहा है आप लोगों को और देते रहते हैं। सर ये मुझे बता दें, आपने खुद भी इसका तस्करा कर दिया, मईशत तबाह हाल है, GDP इस वक्त माइनस में चली गई है, इस दौरान ऐसी सिचुएशन में मिड टर्म इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, कैसे होंगे लोगों का बाहर निकलना? वैसे ही मना है, कोरोना फैल रहा है, सर मिड टर्म कैसे होंगे? देखिए जब किसी हुकूमत के साथ या किसी सेटअप के साथ एक नेगेटिव सेंटिमेंट और एक मनफी लोगों के तासरात या लोगों के इमोशंस अटैच हो जाए ना जी, फिर बिजनेस फ्लरिश नहीं करते, तजारत फ्लरिश नहीं करती, तरक्की की मनाजिल तय करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता है। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ों में ये जो कोविड वाली सिचुएशन है, इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतरी आएगी जिस तरह बाकी ममालिक में आई है, मगर हम समझते हैं कि अल्टीमेटली तमाम मसाइल का हल एक फ्रेश इलेक्शन है जो कि बिल्कुल गैर जानबदार तरीके से और मुनसिफाना तरीके से कराए जाएं, और जब आवाम का हकीकी मैंडेट है वो आवाम को मिले तभी जाके इन मसाइल का हल होगा, वरना आप देखिए अल्लाह माफ करिए जिस चीज को हाथ डालते हैं उसको तबाह कर देते हैं। ये है किसकी, ये तजवीज किसकी है, ये मुस्लिम लीग नून की तजवीज है या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून दोनों इस पर मुत्तफिक है? क्योंकि आगाज से मुझे याद है पीपल्स पार्टी का तो ये मौकफ रहा है कि इनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, इनकी हुकूमत होनी चाहिए, हम इन्हें गिराना नहीं चाहते, साथ देना चाहते हैं। सर ये जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा, तजवीज किसकी है?
देखिए 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 हमारा तो बड़ा क्लियर व्यू है, और देखिए किरण साहिबा, ये कोई ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आपको याद होगा हमने मिसाके मईशत की बात अच्छे वक्तों में की थी, और क्यों की थी? हमने इसलिए की थी कि हम ये हालात देख रहे थे कि ना तजर्बेकार टीम है, और ये जो टीम है जिसमें मुराद सईद हैं, शहरयार अफरीदी हैं, इन्होंने कभी मिनिस्ट्रियां चला के नहीं देखा। वो कार्य सरकार या जो रियासत के उमूर हैं वो किस तरह निभाएंगे? हमने कहा था कि हम आप बैठ जाएं और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई, और देखिए मियां नवाज शरीफ साहब 85 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आप तजर्बा देखें ना, और टीम का तजर्बा देखें कि एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग मिनिस्ट्री जिस महारत से चलाई है, आज भी चीन में उनकी तारीफ होती है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, इधर पिशावर की एक मेट्रो नहीं बन रही सवा अरब में, हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से 3 मेट्रो बसेस 70 किलोमीटर 90 अरब में बना के दी हैं। 1.5 लाख मुसाफिर आज भी सिर्फ लाहौर में उस पर ट्रेवल करते हैं। तो बात यह है कि जब आप ऐसे लोगों को लाके बिठाएंगे और आधा तीतर आधा बटेर, एक जो अब ताना है ना जी 30-40 साल की इक्तदार की शराकत दारी वाला, आधी कैबिनेट तो आपकी वो है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और जो -1 की बात है वो तो हमने खुद की, हमने तो अभी तक फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं की थी। आप देखें ना, ये उस दिन हाउस में आए सर, मैं आता सब यही आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस किया सर, आप लोगों का वो ऑपोजिशन वाला किरदार दिखाई नहीं दे रहा। आप समझते नहीं है कि जितना एग्रेसिव प्ले कर रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग का किरदार उतना दिखाई नहीं दे रहा था सर। आप हमारे पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पिछली 3-4 तकारीर उठा के देख लीजिए। इमरान खान साहब को बहुत उस पर गुस्सा आया था, और अब नैब उनके उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है। जुम्मे को उनकी पेशी है नैब में, तो उनकी तबीयत पे खासा ग्रां गुजरा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने वो धुएंदार तकरीर की। और इवन सदर जमात मियां शहबाज शरीफ साहब वो क्वारंटाइन में है, मगर फिर भी रोज अवामी इशूज के ऊपर वो रोज बोलते हैं, रोज उनका बयान आता है, रोज सोशल मीडिया पे भी वो अपने मामलात को देखते हैं। उसके अलावा इस दफा एहसन इकबाल साहब की आप तकरीर उठा के देखें, और परसों का प्रोटेस्ट आपकी नजर से गुजरा होगा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके पार्लियामेंट के बाहर कतबे उठा के बकायदा प्रोटेस्ट किया गया। और इवन बजट स्पीच के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं है कि हम अग्रेसिव अपोजिशन नहीं कर रहे, मगर प्रॉब्लम ये है, और जो असल मसला है इस वक्त, उस दिन इमरान खान साहब जब हाउस के अंदर आए, तो हाउस के अंदर आके मुझे वो उनकी जो कैफियत थी और जिस तरीके से वो पुर एतमाद अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पहले भी बात की, मुझे वो टाइटैनिक का वो मंजर याद आ गया कि जब टाइटैनिक डूब रही थी तो टाइटैनिक के कप्तान ने एक कुर्सी लगवाई, अपने इर्द गिर्द वायलन वालों को इकट्ठा किया, उसको पता था कि पानी मेरे घुटनों तक आ गया है और ये मेरे सर से गुजर जाएगा, मगर उसने अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए और पूरे एतमाद अपने आप को दिखाने के लिए वहां बैठा रहा और वो वायलिन सुनता रहा। तो ये जो हाउस में यानी अता साहब, आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत या फिर इंडिविजुअली खान साहब ये शायद डूबने की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसी दिखाई दे रही है? ये किसको डुबोते हैं या खुद डूबते हैं ये तो फिर देखना पड़ेगा, या फिर इनके डूबने का ऑपोजिशन कितना फायदा उठाती है इसको भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अता साहब, आप प्रोग्राम में साथ ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो कैसर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, कैसर सज्जाद साहब से कोरोना के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया, और साथ ही डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरों में मवेशी मंडी पर भी पाबंदी की डिमांड की है। वो कह रहे हैं कि कोरोना के केस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि जो नंबर्स शेयर किए जा रहे हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद केसेस में कमी आ रही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हीं से पूछेंगे इस बारे में। सेक्रेटरी जनरल पीएमए ने बताया है कि 3,000 से ज्यादा डॉक्टर पैरामेडिक्स स्टाफ आइसोलेशन में है। डॉक्टर कैसर मेरे साथ ही मौजूद हैं सर, ये बकरीद पर करीब है, ये यकीनन मंडियों में तो रश बढ़ेगा, जिससे एक बार फिर ईद उल फितर के बाद पेश आने की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, मवेशी मंडियों में जाते हुए आवाम किस किस्म की खास एहतियात कर सकते हैं सर, क्या करें? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए बिल्कुल जैसे कि हम कह रहे हैं के हुजूम से बचना है, और कहीं पर भी हुजूम का एहतमाम नहीं करना है ताकि ये बीमारी एक से दूसरे को ट्रांसफर ना हो।
लिहाजा जैसे कि एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि पिछली दफ़ा रमज़ान में जब ईद से दो हफ्ते पहले बाजारें और दूसरे कारोबार खोल दिए गए थे और उसके बाद आपने देखा कि किसी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं कराया गया और ना ही आवाम ने खुद से कोई SOPs को फॉलो किया। फिर ईद में गले भी मिले लोग, हाथ भी मिलाया, तो ये सब कुछ बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से आपने देखा कि जुलाई का जो महीना है वो रिकॉर्ड केसेस यहाँ आए और रिकॉर्ड इंतकाल कर गए लोग, और काफी लोग आपने देखा कि इंतकाल कर गए, नामी ग्रामी लोग इनके इंतकाल कर गए जी। तो अब ये जो फिगर है ये इसी वजह से है कि हमने सही तरह से इसको मैनेज नहीं किया रमजान के आखिरी रमजान में और ईद में, और उसके बाद भी जो है मैं समझता हूँ कि पहले तो लोग ये कहते थे कि जी ये हमारे किसी जानने वालों को कोरोना वगैरह नहीं हुआ है, ये सब बकवास है, लेकिन अब लोगों के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को होने लगा है, तो लोग अब सर कहने वाले खुद ही करियर बन गए ना सर, स्प्रेड खुद किया और उसके बाद अब आस पास हर जगह दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताइएगा सर कि ये मैं पहले भी सवाल पूछती रही हूँ लेकिन अब चूंकि कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा मवेशियों के साथ, तो ये सर ये वायरस मवेशियों में मौजूद हो सकता है सर? नहीं जी, मवेशियों में तो मौजूद नहीं होगा वायरस, ये डेफिनेटली ये वायरस एक्चुअली बेसिकली ये तो जानवर से ही आया था जो कि चाइना के शहर वुहान के जानवर, लेकिन वो सुअर में था और दूसरे रीच में कहते हैं कि उन जानवरों में था और उनको जो लुक आफ्टर कर रहे थे वो इंसान में ट्रांसफर हुआ और फिर इंसान से इंसान में ट्रांसफर हुआ। इसका भी मुख्तलिफ में वैसे बिल्लियों में कुत्तों में भी पाया गया ये वायरस। जी हाँ, ये मैं अभी वहीं आ रहा हूँ कि चूंकि ये एक नया वायरस है, ये वायरस इंसान से जानवर में भी ट्रांसफर हो सकता है अगर अगर जिस तरह से हम उसको डील करते हैं, लेकिन एज सच इसकी तादाद बहुत कम है और अभी तक ये कोई इसको हम प्रूव नहीं कर सके हैं अभी तक, लेकिन ये हो सकता है और ये शायद हुआ होगा क्योंकि ये नई एक बीमारी है और इसके स्प्रेड का ये तो कंफर्म हो गया है कि इंसान से इंसान में बहुत तेजी से फैलता है और पहले जानवरों में था और जानवरों से ये इंसान में आया, लिहाजा मैं समझता हूँ कि चूंकि ये डॉक्टर साहब आज मैं नई एक तहकीक देख रही थी जिसपे पहले भी बात होती रही है लेकिन अब तो बड़ी एंडोर्समेंट के साथ ये बात की गई है कि जिन एरियाज में या जिन दफातर में या जिन घरों में AC मुस्तकिल इस्तेमाल होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा इसके 80% ज्यादा चांसेस होते हैं कोरोना के फैलने के सर। जी हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जिन घरों में AC इस्तेमाल होता है खासकर वो घर जिनका के जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे है तो उनके चांसेस है उसके आउटर की वजह से वो वायरस जो है वो आपके अंदर आ सकता है। इसीलिए बेसिकली ये शुरू में यही बात कही गई थी कि आप जिस कमरे में भी बैठे हैं उसकी खिड़कियां दरवाजे खोल के बैठे ताकि ये क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। ठीक है सर, आपकी जानिब से मुतालबा किया कि निजी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज होना चाहिए और हुकूमत उसकी रकम अदा करे, मगर इस वक्त अस्पतालों में जो पैसे लिए जा रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है कैसर साहब? देखिए किरण, बात सारी ये है कि यकीनन वो चीज जो कि एक गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़े वो यकीनन जायज तो नहीं है, और या फिर मजबूरी के तहत वो आदमी पे कर रहा है तो वो जायज तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखे इसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरान पे आयद होती है, जो इदारे इस चीज को मॉनिटर करते हैं, इस चीज को रेगुलेट करते हैं, उन इदारों का काम है कि ये काम करें। देखिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारी सीमाओं की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, सिंगापुर, जापान, ब्राजील, ये सारे हमारी सैटरडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 इसकी मीटिंग होती है, इसमें हम पूरे पाकिस्तान और पूरे मुल्क के जो है वो आपस में शेयर करते हैं। तो इंडिया के जो डॉक्टर थे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने ये काम किया कि तमाम अस्पताल को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया और उनसे तय किया कि जी ये जो टेस्ट आप करेंगे वो 4000 से ये 4000 इसको फिक्स किया कि 4000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसी तरह से उन्होंने हॉस्पिटल्स को रेगुलेट किया, लेकिन हम अपने अस्पताल के अंदर ये देखिए कि मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वायरल हो गए तमाम अस्पतालों की रेट के आइसोलेट
आइसोलेशन वार्ड के 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए उसके चार्जेस पर डे के हिसाब से लिए जा रहे हैं, लेकिन इस पे सारी बातें हुई टेलीविजन पे प्रोग्राम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, महकमा हेल्थ का वो इदारा जो इन सारी चीजों पर चेक एंड बैलेंस रखता है, मैं उनके लिए सवाल उठाती रही, लेकिन मजा जो कुछ हुआ हो। आपने सर मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा किया है, मगर पिछले कुछ दिनों से जो केसेस की तादाद मैं देख रही हूँ उसमें तो कमी आ रही है, तो क्या ये टेस्ट ना करवाने की वजह से हो रही है या फिर कोई और वजह है, या स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा हो रहा है सर? देखिए स्मार्ट लॉकडाउन है ये, देखिए बात सारी है कि ये डॉक्टरों का एक शोबा है और जिन जिन ममालिक में जो उन्होंने जो काम किया और जिससे उनको फायदा हुआ, जो इरेडिकेशन हुई वायरस की, हमें उस चीज को फॉलो करना। प्लस ये एक इदारा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहा है हेल्थ के निजाम को, वो ये कहता है कि जब आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं आपके यहाँ तो लॉकडाउन करें, कंप्लीट लॉकडाउन, और जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो लॉकडाउन को ईज करें। उसका मतलब ये है कि फिर पॉकेट से स्मार्ट लॉकडाउन आप करें जहां जहां होता है जब आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए। अब आपकी जो बात है, जो लोगों की एक सोच है, जो हुक्मरान भी ये कह रहे हैं कि मैंने देखा कि जिस दिन लॉकडाउन लाहौर में हुआ उसके दूसरे दिन टेलीविजन पे ये चल रहा था कि जी 24 घंटे में केसेस फौरी तौर पे कम हो गए हैं क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। तो 24 घंटे के अंदर लॉकडाउन का असर नहीं आता है, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि जो ये केसेस कम हुए हैं उसकी वजह है कि हमने नंबर ऑफ केसेस करने कम कर दिए, टेस्ट कम कर दिए। पहले 33-35 हजार तक हम चले गए थे, अब हम 21-22 हजार पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस तो कम होंगे, नंबर एक। नंबर दो बात आपको ये बता दूं कि अब लोगों ने चूंकि एक जो मिथ है कि जी अस्पताल मत जाना, अपना टेस्ट मत कराना, अगर आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो आपके साथ ये होगा ये होगा ये, तो लोग अब टेस्ट नहीं कराते। सर मैं इस चीज पर आपसे अफसोस का भी इजहार करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने देखा अभी एक दो इंटरव्यूज पढ़े मैंने पेम्स हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स के, एक बच्चा उसकी डेथ हुई वहां पर, तो उसकी वालिदा ने जिस तरह से डॉक्टर के मुंह पे 4 से 5 बार थूका और बार बार ये कहा कि डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाने की वजह से, जहर का इंजेक्शन लगाया, इनको डॉलर मिल रहे हैं और इस वजह से मेरा बच्चा मर गया है, इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ की मजम्मत भी करते हैं, उन लोगों की मजम्मत करते हैं जो इस तरह की सोच को आम कर रहे हैं, वो चाहे हमारा गरीब तबका हो या हमारा अमीर तबका हो, तमाम लोगों में ये सोच मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस सोच को कैसे दूर किया जा सकता है कि दुनिया जहान में तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश किया जा रहा है और हम अपने डॉक्टर्स के साथ ये हाल करें? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हजरात हैं जो कोरोना के से फाइट करते करते इंतकाल कर गए हैं, तकरीबन 60 डॉक्टर जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, और ये बहुत बड़ा सबूत है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि इंजेक्शन लगा दिया जाता है या डॉक्टर्स जो हैं वो बॉडीज के लिए इसको कोरोना को इसलिए लेबल करते हैं ताकि उनको पैसे मिलेंगे, ये सब बेबुनियाद खबरें हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ये सोशल मीडिया पे ये सारी बातें हो रही हैं, किरण, मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खुदारा अस्पताल मत जाना, इसका मतलब ये है कि आपको मरने दिया जाए, घर पे ही मरे आप, अस्पताल ना जाए, ये कितनी बेवकूफी की बात है कि आपके प्यारे दुलारे अगर सांस की प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तमाम लोग जो ये सब कुछ ये बातें कर रहे हैं वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो खुदा रहा इस तरह की मिथ्स पर ना अमल करें, ना ऐसी मिथ्स को सुनें जो बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, उसको संजीदगी से लें। कैसर साहब बहुत प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, अपना बेहद ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।